एक पर्सन नशे में किसी को होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो वैसे तो नशे में है तो छोड़ देना चाहिए, चलो एक्सक्यूज है, चलो तुम जो भी किए ऑफेंस नहीं है। अब ऐसा करे तो फिर शराब की डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं लोग हमेशा बोलेंगे पिया हुआ था हो गया मेरे से गलती होगी। बट ये नहीं चलता, कानून इस चीज को नहीं मानता। एक बार सेक्शन 23 को देखो, देखिए एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ व्हाट इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। देखो प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है जिसको शराब पिला दी जाती है, सही है, लेकिन जो खुद अपनी मर्जी से पीता है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, है ना। कोई बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है, प्रॉपर पर्सन है, उसको किसी ने जबरदस्ती बहुत सारी शराब पिला दिया, अब उससे कोई अपराध हो गया, वहां प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कोई खुद से पीता है और कोई अपराध करता है तो ये मान के कानून चलता है कि वो पूरे होशोहवास में है। उस अपराध को करने के वक्त वो पूरे होशोहवास में था, कानून ये मान के चलता है। और जो उस जुर्म की सजा होती है उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाती है, एज इट इज पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। पढ़ के देखिए जरा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब यहां से देखिएगा, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट दैट वॉज और दैट इज डूइंग वॉट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। देखो तीनों में बातें वही चल रही है, बात पहले वाली है, तीन बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, नेचर ऑफ द एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, और तीसरा क्या है, रॉन्ग रॉन्ग, सही है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ और रॉन्ग, गलत है। हम नहीं पता लगा रहे, इनकैपेबल ऑफ नोइंग, इनकैपेबल ऑफ नोइंग, नहीं पता चल पा रहा है क्यों भला। तो एक पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, एक पर्सन क्या है, इंटॉक्सिकेटेड है, दैट वॉज nothing is an offense done by person where the time of doing it is by reason of the intoxication. That is intoxicated hai, incapable hai, intoxication ki wajah se incapable hai knowing karne mein, samajhne mein ki bhai hum jo kar rahe hain wo ek apradh hai, law ke contrary hai ya fir wo kya hai, wrong hai. Kis wajah se incapable hai, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, उसको इस बात की नॉलेज ही नहीं है इंटॉक्सिकेशन की वजह से। अच्छा इंटेंशन हो तो चलेगा, हो सकता है कि मारने का इंटेंशन हो, लेकिन वो किसी अब नशे की हालत है और उस वक्त वो मर्डर किया है, उसको नहीं पता है उस एक्ट के नेचर के बारे में, तो वैसे सर्कमस्टेंस में क्या होगा, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो भी शर्त पे ध्यान दीजिए, प्रोवाइडेड दैट द थिंग वॉज इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्ट्रेट टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विदाउट हिज नॉलेज। देखो दो बातें होती हैं, जो इसको इंटॉक्सिकेशन हुई है, जो इसको शराब पिलाई गई है, वो पिया नहीं है, उसको पिलाई गई है उसके इच्छा के खिलाफ, हो सकता है कोई फोर्स करके उसको शराब पिला दिया उसके मर्जी के बिना, सही है। अब मर्जी के बिना मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोस्त ने खूब समझाया और पी लिए, इसका कसम दिया उसका कसम दिया पी लिया, इसको नहीं कहते हैं कि भाई आपने अगेंस्ट हिज विल है। अगेंस्ट हिज विल का मतलब क्या हुआ कि आपको फोर्स किया गया था, आपके ऊपर कोई प्रेशर था और जिसकी वजह से आपने उसको पी लिया। दूसरी बात यह हो सकती है ना कि नॉलेज के बिना, नॉलेज के बिना क्या, जैसे होता है ना पानी में मिला के पिला दिया तो इस तरह से किया, तो अगर
ऐसे हालात में इंटॉक्सिकेटेड है, इस हालात में इंटॉक्सिकेटेड है और इतना इंटॉक्सिकेटेड है कि उसको नहीं पता कि नेचर जो काम कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसको नहीं पता जो काम कर रहा है वो कॉन्ट्री टू लॉ है, रॉन्ग है, तो उसने जो काम किया है वो क्या कहलाएगा, वो ऑफेंस उनकी कैटेगरी में नहीं आएगा, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एन ऑफेंस। लेकिन ऐसा होता है कि अपनी शराब पिया हुआ है, पॉसिबल है किसी को मार दिया, तो क्या ये ऑफेंस कहलाएगा? तो सेक्शन 24 देखो इसके ऊपर क्या कहता है। सेक्शन 24 कहता है, ये भी बड़ी अच्छी बात कहता है, और इसका क्या स्टेटमेंट है, वर्जन क्या इसका, ये देखो आप इसको देखिए, ये कहते हैं ना, इन केस व्हेन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। सही है, नॉलेज और इंटेंशन। A person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as would have been had not been intoxicated. That was. तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहता है 24 की ये मान लो अगर उसने कोई मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया, शराब पी के किया है, तो ये मान लो कि वो शराब नहीं पिया है, पूरे होशोहवास में है, और जैसे एक होशोहवास वाले पर्सन की पनिशमेंट होती है वैसे ही आप उसको डील करो। दिस इज द मैनर हाउ टू डील दैट काइंड ऑफ पर्सन, दिस इज द मैनर फॉर हियर। देखो 23 एंड 24 का कंबाइंड इफेक्ट समझेंगे कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। सेक्शन नंबर 23 प्लस सेक्शन नंबर 24 दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। और अब पहले थोड़ा नजर डालते 24 पे, बहुत ही टिपिकल पॉइंट है 24, और इसको समझते हैं, देखिए क्या स्पेसिफाई करते हैं। When act done is not an offense, चलिए यही तक पहला ऑफेंस है, अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। अब एक बात बताओ, एक पर्सन बहुत नशे की हालात में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, और पूरे नशे की हालात में है, सही है, कहीं चाकू पड़ा था उठाया और किसी को मार दिया, उसको जानता भी नहीं था पहचानता भी नहीं था, और चाकू उठाया उसको मार दिया, बताओ क्या ये मर्डर कहलाएगा या मर्डर नहीं कहलाएगा? What do you think on that? Section 24 देखो क्या कहते हैं। In case when act done unless done with the particular knowledge or intention, ये कहते हैं knowledge और intention होना चाहिए, knowledge होना चाहिए या फिर intention होना चाहिए। अब एक person जो अनजान व्यक्ति है उसको मारने का क्या intention होगा? कोई उससे फायदा तो नहीं हो रहा है, दोस्त यार तो नहीं है, चलो ठीक है। अब वो पूरे होशोहवास में नहीं है, नशे में धुत है, क्या उसका नॉलेज हो सकता है कि वो मार रहा है उसको? यही नहीं। अब सेक्शन 24 कहता है तुमको बच के नहीं जाने देंगे, हम अभी आगे पढ़ो मेरे को, मैं क्या लिख रहा हूं। ए पर्सन हु डज द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कर दिया, शैल बी लायबल टू बी गिल्ट एज इफ, जैसे कि एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज वुड हैव Had, if had not been intoxicated. हम बोलेंगे कि भाई तुम नशे में मारे हो, कानून कहता है कि हम जब तुमको कंसीडर करेंगे तुम्हारे अपराध को तो हम ऐसे मानेंगे कि तुम नशे में नहीं हो, ऐसे बिल्कुल ठीक हो, क्या तब तुमको पता है कि तुम चाकू उठा के किसी को मारोगे तो वो मरेगा? तब तो बिल्कुल है, मतलब 24 कहता है कि वो नशे के हालात में मानता है काम किया, लेकिन जब आप उसके क्राइम को देखो तो ये मान के चलो कि एज इफ वो नशे में नहीं है, वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है। अब उसको देखो कि उसको नॉलेज है कि नहीं है, और अगर उसको नॉलेज है तो वैसे सरकमस्टेंस में फिर वो ऑफेंस है, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर ऑफेंस नहीं, मतलब हम वो नशे की भी हालात में है तो हम उसको क्या मान लेंगे कि बिना नशे का है, बिल्कुल होशो हवास में वो पर्सन बैठा हुआ है बिना नशे का है,
तो वही कहते ना, सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड. अनलेस द थिंग्स वॉज इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्ट्रेट हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल. देखो जब भी इंटॉक्सिकेशन होती है और उसको बिना उसके मर्जी के उसको दिया जाता है शराब, बिना मर्जी का अगर उसको पॉसिबल है अगेंस्ट उसके बिल के उसको शराब दी जाती है, तब तो प्रोटेक्शन हमेशा है. लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस में कौन किसको फोर्स करके पिलाता है, वैसा तो नहीं होता. सब पैसे भी बड़े लगते हैं सब कुछ है ना, और कोई किसी को अपने पैसे से पिलाता है फिर भी वो अपनी अपनी मर्जी से पीता है. तो दैट इज द नॉर्मल सिचुएशन वी गॉट देयर. ये फोर्स करके पिलाना ये बहुत ही अलग सर्कमस्टेंस होती है जिसको क्राइम करवाना ही है उससे. वो कहता है कि इसको पिला दो और इसे क्राइम करवा दो. उसको दुकान में ले गया, बोला चलो तुम्हें शराब पिलाते हैं, पिला दिया उसको. अब हाथ में चाकू दिया कि जाओ उसको मारो. वो जाके उसको माराया. बताओ ऑफेंस किया उसने, उस शराबी ने ऑफेंस किया? अब वो कहता नहीं किया. उसके अब ये नहीं कहोगे कि इसको अगेंस्ट द विल उसको पिलाई गई है. अगर आपको कोई कहे कि चलो शराब पिलाते हैं, आप भी साथ जाके पी लेते हो उसके साथ, तो आपके विल के अगेंस्ट वो थोड़ी ना हुआ. इट्स योर चॉइस. आप उसके साथ बैठो, उसके साथ करो, ये क्या है, किसका चॉइस है, ये आपका चॉइस है. तो नॉर्मली जो हम कहते ना कि भाई हमें पिला दिया गया, वो ऐसे मैटर हो सर में पिस्टल रखा पी नहीं तो गोली मार दूंगा दिस वन, इस तरह की बात हो. अब वो अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, शराब पी लिए. दैट्स द पॉइंट कॉल दिया. उसको पानी में मिला के पिला दिया, वो पी लिया बिना नॉलेज का. तो नॉलेज और अगेंस्ट द विल दोनों बातें हैं वहां पे. तो अगर ऐसे हालात में अगर वो कोई भी अपराध करता है उस हालात में जहां उसको बिना नॉलेज के बिना बिल के शराब पिलाई गई है, तो फिर क्या कहलाएगा, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा चाहे वो कुछ भी करे. लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से पी गए हैं दिस वन, अब क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन रोज पीने की हैबिट है, हर शाम को पी के दूध हो जाता है, एकदम नशे में हो जाता है. कल रात को नशे में घर पहुंचा, भाई से जमीन के लिए लड़ाई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होगी, सामने कुल्हाड़ी पड़ा था, उठाया कुल्हाड़ी से मार दिया. जब उसको कुल्हाड़ी मार दिया उसके बाद फिर जाके सो गया. सही है, समझ में नहीं आया क्या हुआ, बोला चलो मार दिया कि वो मर गया, उसको समझ में नहीं आया. उसके बाद क्या किया, बोला कुल्हाड़ी मार के बोला सो गया, इतना से डर गया हार गया बस. और वो जाके अपने रूम में फिर सो गया. सुबह उठा, डेड बॉडी पड़ी है, पुलिस आई उसको उठाई, क्या वो चल मर्डर किया तूने? अब मैंने मर्डर किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है क्या किया मैंने, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है. गवाह है सामने देखा दोनों को लड़ते हुए मारते हुए. केस शुरू हुआ, बताओ ऑफेंस होगा या नहीं होगा. उसे कुछ नहीं पता कि क्या किया उसने नशे के हालात में, उसको कुछ आइडिया नहीं है. क्या ऑफेंस कहलाएगा? अब देखो ये इमोशन में आ गए, छोड़ दिया. मैं बोला कानून पे रहो ना, नशे के हालात में कोई क्या करता है उसको कुछ पता होता है क्या? हाँ, अनलेस अब ये बोला लिखा तो है नॉलेज, लेकिन मैंने क्या बोला, नॉलेज आपको चेक कैसे करना है, आप उसको बिना नशे का खड़ा करो. सही है, अब उसको बोलो कुल्हाड़ी उठा के मारोगे तो मरेगा कि नहीं? बोलेगा हाँ मरेगा. आपको नॉलेज इंटेंशन उसके नशे के हालात वाला नहीं देखना है. अगर वही एज इफ वर्ड को देखो, एज इफ वर्ड लिखा हुआ है, एज इफ कहते हैं कि भाई अगर आप अभी माना पिए हो, अगर आप पिए नहीं होते तो आपको नॉलेज होता कि नहीं होता, तब होता ना आपको, तो नशे से बात है. तो क्या बोला, हाँ नॉलेज एट द टाइम होना चाहिए, लेकिन आपको उसको चेक कैसे कर, चेक करने का तरीका बदल दिया है. नॉलेज इंटेंशन क्राइम करने के वक्त का देखेंगे, लेकिन चेक करने का तरीका यह बोला है कि आप उसको नशे में कंसीडर मत करो, आप उसको बिना नशे का कंसीडर करो कि बिना नशे का उसको नॉलेज है कि नहीं है.
या इंटेंशन है कि नहीं है, बिना नशे चेक आपको करना है बिना नशे का। और तो जबरदस्ती वाला मैटर नहीं, अभी हमारा क्वेश्चन पूछने का सिस्टम कुछ और चीज चीज है। अभी कई लोग होते हैं ना नशे में क्राइम कर देते हैं, मार देते हैं, रेप किया, लूट किया, किसी को मार दिया, और जब होश आता है तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता कि हमने ये सब किया, उसको याद ही नहीं रहता कि उसने ये सारा काम, ये सारा कैट कर दिया। अब उसके बाद पुलिस आ रही है, चल अंदर। अब उसको बताया जाता है कि तुम जब नशे में थे तो तुमने ये सारा काम किया था, नशे में थे तो तुमने ये सारा काम किया था। पर नशे में था तो कर दिया तो क्या हो गया, नशे में हो गया, जाने दो, होश में रहता थोड़े ना करता, तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। सबसे पहली बात कानून ये कहता है कि उसको देखो कि जो काम कर रहा था उस काम का उसको नॉलेज था या नहीं था। अब बोलोगे ऑब्वियस बात है, नशे में होता है तो नॉलेज थोड़ी रहता है, तब कानून कहता नहीं ऐसे नहीं देखना है, वो नशे में था तो क्या हुआ, तुम ये मान के चलो कि वो होश में था। यहां पे वर्ड क्या है as if he had the same knowledge as would have had if he had not been intoxicated। इसका हिंदी मतलब क्या है, if he had not been intoxicated का मतलब क्या हुआ, यदि वो नशे में नहीं होता। अभी तो नशे में है, लेकिन अगर नशे में नहीं होता तो उसको नॉलेज होता कि नहीं होता। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द लॉ विच वी वॉट दैट यू नो, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। सही है? तो ये सिस्टम वहां पर होता है और इसके अकॉर्डिंगली चलता है। नॉलेज इज इज द इंपॉर्टेंट, मतलब इतना पिला दिया जिससे उसको नॉलेज ही नहीं रहा। सो दिस वन, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा डिफरेंस तो आपको ये हो जाता है कि आपको पिला दिया गया। सही, आपको पिला दिया गया तो नॉर्मली वो एक गाना है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो पिलाई गई है तो अपराध नहीं होता है, फिर उसमें कोई भी क्राइम करेंगे वो अपराध नहीं किया, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके विल के अगेंस्ट या उसके नॉलेज के बिना उसको पिलाया गया हो। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब ये मान लो कि चलो ठीक है, उसको अगर ऐसा है तो बिन आगे की बात देखनी नहीं है। कोर्ट में अगर ये साबित हो गया कि साहब आपको मेडिसिन खिला दिया गया जिससे आपके बुद्धि को खत्म कर दिया गया, नहीं, या फिर आपको शराब पिलाई गई, आपको कुछ भी चरस गांजे ये सब चीज आ जाता है इसमें, ये सब चीजें आपको कर दिया गया और जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो चली गई, वो खत्म होगी। इफ दिस थिंग इज देयर तो वैसे सर्कमस्टेंस पे क्या होता है, बच जाएंगे, वहां बच जाएंगे। अपनी मर्जी से शराब किया है, अपनी मर्जी से ये सब किया है, तो वैसे हालात में अब ये देखना पड़ेगा कि आप जो काम किए उसका इफेक्ट का नॉलेज था कि नहीं आपको, और नॉलेज आपको नशे की हालात में चेक नहीं किया जाएगा। आप बेशक नशे की हालात में करने के बाद, लेकिन नशे की हालात वाला स्टेट में चेक नहीं किया जाएगा। आपको किस स्टेट में चेक किया जाएगा कि आपको बिना नशे के हुआ, ऐसे आपको चेक